ऑथेंटिकेशन इनेबल करके दिखाऊं? ऑथेंटिकेशन आप कैसे अप्लाई करोगे? जो भी कमांड थी ना वो किस पे चलेगी? अब आईएसपी पे तो चलेगी, किस पे? वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस पे, और यहां पे चलेगी किस पे? डायलर इंटरफेस पे। दिखाऊं? ये लो, आईएसपी पे आ जाओ। मैं पहले एक लोकल डेटाबेस बना लेता हूं, यूजर नेम पासवर्ड सिस्को 123, इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट कौन सा था? 1। इसमें मैं क्या बोल देता हूं? ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन ठीक है, और यहां से अब वो यूजर नेम और पासवर्ड भेजेंगे हम लोग। मैं पिंग करके दिखा देता हूं, यहां से नहीं हो रहा है क्योंकि उनका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया है? डाउन, तो वर्क नहीं करेगा अभी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस डायलर वन पे जाओगे और आप क्या बोलोगे? क्या बोल दोगे? ट्रिपल पी सेंट यूजर नेम एज पासवर्ड सिस्को 123। तो इन दोनों के बीच में भी लाइन प्रोटोकॉल अप आ जाएगा, वेट करो और फिर पिंग करके देख लो, कम्युनिकेशन हो जाएगा। वेट करो, पहले लाइन प्रोटोकॉल अप आएगा। लाइन प्रोटोकॉल अप आया, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? चैप भी यूज कर सकते हो ना। तो मैं इंटरफेस इथरनेट सॉरी इंटरफेस डायलर वन पे गया और मैंने यहाँ से फिर से वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से नो कर दिया। इस बार मैं आईएसपी एंड पे मैं ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? चैप। और ये देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल चला सकते हो, एमएसएफ वर्जन 2, ईएपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। ये तो यूज होता है किसके लिए? अगर सामने माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइसेज हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, उस केस में ये जो है ईएपी यूज होता है। वहां पे क्या होगा? एक हार्डवेयर मशीन होगी, जैसे थंब स्कैन के लिए या फिर ऐसी कोई मशीन होती है ना, अरे फिंगरप्रिंट वाली जो मशीन होती है, एक हार्डवेयर मशीन होगी। जब तक वो बंदा उस पर स्कैन नहीं करेगा फिंगरप्रिंट जाएंगे, फिंगरप्रिंट से क्या होंगे? ऑथेंटिकेट करवाएगा वो कौन? आईएसपी। समझ में आ रही है बात? अगर हार्डवेयर डिवाइस ले रखा है कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए तो फिर क्या यूज होगा? ईएपी। समझ में आ रही है ना बात? उनका लाइन प्रोटोकॉल कब आप पाए? वहां पे एक हार्डवेयर मशीन होगी, जब तक या फिर आप कोई कार्ड होगा वो कार्ड यूज करोगे या फिर फिंगरप्रिंट का वो मशीन लगा होगा आपका, उससे आपको ऑथेंटिकेट करवाएगा वो ठीक है, अगर आप ईएपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। तो इसके लिए हमें एक हार्डवेयर मशीन चाहिए होती है, तो इसका प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है ही नहीं है ऑथेंटिकेट की, एज राउटर को मैं उससे ऑथेंटिकेट करवा दूं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं किसकी, एमएसएफ और एमएसएफ वर्जन 2 की, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज होते हैं। तुम्हारे सामने डिवाइसेस किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं, अगर उनको ऑथेंटिकेट करवाना है ठीक है। और ये चैप और पैप है हमारे पास में, ये हमने देख ही लिया। तो मैं यहाँ पे वापस चैप यूज कर लेता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड है ही, और यहाँ से मैं भेज देता हूँ ट्रिपल पी चैप होस्ट नेम एज ट्रिपल पी चैप पासवर्ड सिस्को 123। अभी इनके बीच में लाइन प्रोटोकॉल अप आ जाएगा और इनके बीच में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और है कम्युनिकेशन, वैसे एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया था एक्चुअली उसने, एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया था, अगर इंटरफेस डाउन करते फिर आप आता ना तो इंटरफेस अपनी आता। वो कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है बताओ इसमें? लूपबैक इंटरफेस को कॉल करवा के दिखा दिया है ना। और आप एक और काम कर सकते हो, अगर ये प्रीफिक्सेस इन इंटरफेसेस के एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करवाने तो कोई कमांड आपकी आईपी रूट दिखा देता हूं। इसकी राउटिंग टेबल में ये वाले प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है ना, आप नहीं चाहते कि ये सामने वाले प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो इंटरफेस डायलर वन
क्या बोल दोगे? पियर नेबर आउट को क्या बोल दोगे? नो। और सेम कमांड वहां पे चलेगी आईएसपी पे, कौन से इंटरफेस पे? वर्चुअल टेम्पलेट पे। ठीक है, तो मैं नहीं चला रहा हूं ये कमांड। अरे पता चल गया ना ये। ओके, अब एक चीज रह जाती है इसमें भी, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देते हैं ऑटोमेटिकली किससे? लोकल पुल से और डीएचसीपी पुल से। और यहां पे मैंने कॉल किसको करवा रखा है अभी फिलहाल? किसको कॉल करवाया हुआ है? लूपबैक को कॉल करवा रखा ना, वो हटा दूं मैं डायलर इंटरफेस से। तो इंटरफेस डायलर वन पे मैंने आईपी अननंबर्ड लूपबैक वन कॉल करवाया था, ये मैंने इस कमांड को हटा दिया। और साथ में एक और कमांड आपने नो करनी पड़ेगी, कौन सी? नेट स्टेटमेंट याद है? डायलर को कॉल करवाया हुआ था क्या? नहीं, लूप बैक को। इस वाली स्टेटमेंट को भी हटा दिया। डू शो रन पाइप सेक्शन आईपी नेट, स्टेटमेंट हट चुकी है। अब एक काम करेंगे, अब इस इंटरफेस पे डायलर इंटरफेस पे आईपी कैसे मिलना चाहिए? डायनेमिकली। और यहां पे क्या है हमारे पास में? वर्चुअल टेम्पलेट एक इंटरफेस है। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक लोकल पूल बनाएंगे पहले, और लोकल पूल कॉल करवा लेंगे किसमें? वर्चुअल टेम्पलेट में। चलते हैं आईएसपी पे, लोकल पूल बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? आईपी लोकल पूल, लोकल पूल नेम क्या दे दूं? एनबी दे दूं। स्टार्ट रेंज 15.1.1.2, एंड रेंज सॉरी 15.1.1.1 दे रहा हूं मैं, और 15.1.1.1 पे ही क्या कर रहा हूं? एंड कर रहा हूं। ठीक है, और इस कौन से इंटरफेस पे इसको कॉल करवा लोगे? इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट पे कॉल करवाओगे, कौन से पे? वन पे। क्या बोलोगे? पियर डिफॉल्ट आईपी एड्रेस पूल, पूल नेम क्या था? एनबी। कॉल करवा लिया इस पे, और अब चलोगे आप किस पे? एज ए राउटर पे कमांड क्या चलेगी? इंटरफेस डायलर वन पे जाके नो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या हुआ? डायलर इंटरफेस को ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ, नो आईपी एड्रेस टू शो डू आईपी। डायलर इंटरफेस आईपी हट गया, अब मैं क्या बोलता हूं? आईपी एड्रेस इंटरफेस इथरनेट सॉरी डायलर वन पे आओ, एक बार सेट करो इस डायलर इंटरफेस को, और फिर से क्या करो इसको? आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मिल गया होना चाहिए यार, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा? अब डायलर अप आया तुम्हारा, मिल गया आईपी, समझ में आ रही है बात? और अब मैं पिंग कर रहा हूं किसको? 1.1.1 को। कम्युनिकेशन हो पा रहा है? कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और ये लैन यूजर कम्युनिकेट कर पा रहा होगा? ये होस्ट कम्युनिकेट कर पा रहा होगा क्या? क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा? क्या इसको डिफॉल्ट रूट मिला हुआ है? पहले तो ये देख लेते हैं, डिफॉल्ट रूट मिला हुआ है, और इसको हमने ईआईजीआरपी में रिडिस्ट्रीब्यूट भी करवा रखा है। रह क्या गया? आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो लिस्ट 10 में हो, ट्रांसलेट कर दे किसमें? इंटरफेस डायलर 1 में, और से ओवरलोड कम्युनिकेट करवा लो, हो जाएगा। पिंग कर रहा हूं मैं www.google.com को, और है कम्युनिकेशन। सक्सेस
समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना थोड़ी तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होगी, वर्चुअल टेम्पलेट को कहाँ कहाँ पे कॉल करवा लिया है ना। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर याद नहीं रहेगी ये चीज़ें, ठीक है? थोड़ी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, जो ऑथेंटिकेशन थी, डिफॉल्ट रूट प्रोवाइड करवाना है, लूपबैक इंटरफेस को कॉल करवाना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। डायलर इंटरफेस पे चलेगी क्लाइंट एंड पे, और सर्वर एंड पे किस पे चलेगी, वर्चुअल टेम्पलेट पे। बस आपने वहाँ पे स्टार्टिंग में वो ध्यान रखना है कि वर्चुअल टेम्पलेट बनाओगे सर्वर एंड पे और क्लाइंट एंड पे डायलर इंटरफेस। वर्चुअल टेम्पलेट कहाँ पे कॉल होगा, बीबीए ग्रुप में, और बीबीए ग्रुप को कॉल करवाओगे किस में, फिजिकल इंटरफेस में। क्लाइंट एंड पे डायलर इंटरफेस बनाओगे, उसको आईपी दोगे, उसको कॉल करवाओगे कहाँ पे, पूल में, और पूल कॉल करवाओगे किस में, फिजिकल इंटरफेस में। बस इतनी सी तो चीज ध्यान में रखनी है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो अब देखो यहां पे मैं आईएसपी पे चलता हूं, और इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट कौन सा था, वन, इससे मैं लोकल पूल को मैंने यहां से हटा दिया, लोकल पूल को मैंने यहां से हटा दिया, और एज राउटर पे चलता हूं मैं, और इंटरफेस डायलर वन पे नो आईपी एड्रेस, ठीक है? इस बार हम लोग यहां पे किसको कॉल करवाएंगे, डीएचसीपी को कॉल करवाएंगे आईएसपी पे, आईपी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो शो आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नहीं बना हुआ है ना, पूल बना देते हैं, क्या बोलोगे? सीसीए 10 दे दिया मैंने, नेटवर्क, बट एक आईपी नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए, कौन सा, 15.1.1.2 आईपी प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए स्कूल से, तो आईपी डीएचसीपी 15.1.1.2, और इस डीएचसीपी पूल को मैं कहां पे कॉल करवा लूंगा, वर्चुअल टेम्पलेट पे। कैसे कॉल करवाओगे, डिफॉल्ट रूट मिल तो रहा है हमें, राउटर को थोड़ा ना गेटवे दोगे, गेटवे तो लैन यूजर को मिलेगा, और लैन यूजर के लिए मेरे इंटरनल डीएचसीपी है, ये आईएसपी का तो काम सिर्फ इस एज राउटर को आईपी देना है, और इसको तो डिफॉल्ट रूट की, इसके ऊपर तो डिफॉल्ट रूट होगा, गेटवे थोड़ा ना होगा, राउटिंग टेबल में क्या होगा, डिफॉल्ट रूट होगा। ये लाइन यूजर डेटा ट्रैफिक किसको भेजते हैं, अगर डिफरेंट नेटवर्क में डेटा भेजना है किसी को भी, इनकी अब इनके पास में राउटिंग टेबल तो नहीं है ना, तो ये किसको भेजते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने गेटवे को, है ना? और ये तो राउटर है तुम्हारा, अब राउटर के पास में तो गेटवे की जरूरत ही नहीं है, इसके पास में तो एक डिफॉल्ट रूट होगा। अरे डिफॉल्ट रूट भी तो तुम्हारा क्या है, गेटवे ही तो है, डिफॉल्ट रूट का मीनिंग नहीं समझते क्या तुम लोग, तो आईपी रूट ये देखो, हाँ गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट हो जाता है ना, अगर राउटिंग टेबल में कहीं पे मैच नहीं होता है कुछ रूट, तो ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देता है, जो तुम्हारा ये है गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट, तो ये डिफॉल्ट रूट भी क्या होता है तुम्हारा, काइंड ऑफ एक गेटवे ही तो है, लास्ट गेटवे है ये मेरा, और ये भी नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होते हैं, ये भी तो गेटवे ही होते हैं, इस नेटवर्क तक जाने के लिए ये क्या है, दोनों गेटवे। स्टैटिक राउटिंग पढ़ लेना अच्छे से, पता चल जाएगा। अगर आपके पास में लाइन कौन सी आ रही है, सीरियल है तो क्या यूज होगा, ट्रिपल पी, अगर लाइन कौन सी आ रही है आईएसपी से, इथरनेट लाइन आ रही है तो कौन क्या यूज करेंगे हम, ट्रिपल पी ओ ई, हाँ पीपीओ ही यूज होता है, क्योंकि सीरियल लिंक पे तो आपकी बैंडविड्थ ही बहुत कम होती है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, क्या लिंक, हाँ मैसेजेस से पता चल जाएगा उसके, नहीं इस पे नहीं, ये देखो मैंने क्या बोलना था यहाँ पे, अभी क्या कर दिया था यहाँ पे हमने, डीएचसीपी पूल को अब हमने यहाँ पे क्या करवाना है, कॉल करवाना है, कैसे कॉल करवाओगे, पियर डिफॉल्ट आईपी एड्रेस डीएचसीपी पूल, पूल नेम क्या है,
CCA10 पुल कॉल करवा लिया मैंने यहाँ पे DHCP पुल, और अब आप चलोगे एज राउटर पे जाओगे और आप क्या बोल दोगे, इंटरफेस डायलर 1। एक बार इसको क्या करो, शट डाउन। IP एड्रेस नेगोशिएटेड ऑलरेडी आई थिंक कमांड चली हुई थी, से नो शट डाउन। वेट करो, डायलर इंटरफेस अप आ गया। अभी आप आना है, वेट करो। ये लो, नहीं मिला, ये लो मिल गया IP। और ये लो पिंग कर रहा हूँ मैं 1.1.1 को, कम्युनिकेशन हो रहा है और ये लैन यूजर भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मल्टी लिंक की मुझे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मल्टी लिंक की क्या जरूरत है हमें, मल्टी लिंक किस लिए यूज कर रहे थे, सीरियल लिंक की स्पीड ही कितनी होती थी, तो यहाँ पे तो आपको 1 GB की वैसे 1 GB की तो स्पीड मिलेगी है ना। ये देख, ट्रिपल पी मल्टी लिंक की तो कोई कमांड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा लिख लो ये कमांड,